मुरली नमो चैनल में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे IDBI और LIC की जो डील हो रही है उसके बारे में, जिस पे UPA सरकार और विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेर रखा है। इससे पहले हम ये वीडियो शुरू करें, आपसे अनुरोध है हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर करना ही आपको सही खबर को सही जगह पर पहुँचाना ही सबसे बड़ा जो लक्ष्य है यही है। आप शेयर करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आइए हम आपको पूरी खबर बताते हैं। आज हम एक ऐसी आपके साथ कुछ डिस्कशन करने आए हैं जिसमें अभी एक खबर आई है जो कि LIC बैंकिंग सेक्टर में आने जा रही है, और LIC इस बैंकिंग सेक्टर में आने के लिए कोई नया लाइसेंस ना ले करके IDBI को, पूरी IDBI को खरीद करके और वो अपना बैंकिंग स्टार्ट करेगी। परंतु वह बैंकिंग में उसके आने से पहले ही विवादों में घिर गई है। विवादों का मेन मुद्दा क्या है कि उसमें विपक्ष मोदी सरकार को घेर रही है, क्योंकि यह फैसला शायद कैबिनेट का है कि वह यह चाह रही कि IDBI की जो खस्ता हाल है उसको कहीं ना कहीं LIC टेक ओवर करके उसका मेक ओवर करे। तो इसीलिए अब सरकार ये उसमें है कि अब IDBI को LIC खरीद लेगी। उसका अभी हाल ही में IRDA की इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक 30 जून को मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में यह फाइनल भी हो गया है कि अब IDBI को LIC खरीदेगी और बैंकिंग सेक्टर में आने के लिए LIC को अब IDBI का हाथ थामना होगा। वह IDBI जो पूरी तरह से खस्ता हाल है, उसका NPA बढ़ा हुआ है। NPA क्या होता है? NPA होता है, आपको बता दूं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऐसे होते हैं जो, अगर मान लीजिए किसी बैंक ने लोन दिया है, कहीं पे किसी को लोन दिया है और वह लोन का अमाउंट जो पैसा है वह रिकवरी नहीं हो पा रहा है, तो इसमें NPA जो IDBI का हाई है, इस कारण बस भी मार्केट में अफवाह फैलाई जा रही है कि अगर LIC उसको खरीदेगी तो LIC का बुरा हाल हो जाएगा। LIC जो इतनी अच्छी कंपनी है, LIC का जो इंश्योरेंस सेक्टर में लगभग उसके 25 करोड़ ग्राहक है और 30 करोड़ के आसपास आपके लगभग इसमें प्रीमियम होल्डर हैं, जो सॉरी 30 करोड़ पॉलिसी हैं इसमें, तो कहीं ना कहीं अगर IDBI को टेक ओवर करेगी तो उसका हाल क्या होगा। लेकिन मैं इस सबको इसलिए इतना बारीकी से बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें गलती किसकी है, क्या इसमें जो अभी करंट सरकार है उनकी गलती है या IDBI की गलती है, LIC की गलती है या पिछली सरकार की गलती है। यह मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि LIC के खिलाफ चलाए गए जा रहे अफवाह कि LIC का अगर IDBI का टेक ओवर करेगी IDBI को तो वह पूरी तरह से आपका पैसा डूब जाएगा, तो उसी को हम समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं कि आखिर NPA IDBI का NPA क्यों इतना बड़ा। NPA का मतलब है कि जो IDBI ने लोन दिए थे अभी हाल ही में, उन्होंने लोन पास किया था और वो हाल ही की बात नहीं है, कितने वर्षों से जो लोन पास करती आई है और उनके पैसे की रिकवरी नहीं हो पाई। चलिए मैं देखता हूँ इसमें सबसे बड़े तुरम खां कौन है जिसको IDBI ने लोन पास किया था और वह लोन जिसके कारण उनका NPA बढ़ गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आज का देश का सबसे बड़ा भगोड़ा साबित हुआ है, विजय माल्या। हाँ, हम बात कर रहे हैं विजय माल्या जो देश में भगोड़ा साबित हो चुके हैं और वह अभी लंदन में जाकर रह रहे हैं और उनका अब तक यहाँ पे भारत सरकार कई बार प्रयास कर चुकी है परंतु वापसी अभी तक उनकी नहीं हो पाई है। तो आखिर सबसे बड़ा डिफॉल्टर उसमें विजय माल्या ही हैं। IDBI में उन्होंने 600 करोड़ का लोन लिया और उसका उन्होंने वह पैसा वापस करने की स्थिति में नहीं है। अब आपको जानने की ज़रूरत है कि IDBI ने यह लोन विजय माल्या को कब दिया था, क्योंकि इसी से पता चलेगा, क्योंकि हम जो सवालों के घेरे में अभी इस समय की मोदी सरकार आ रही है तो क्या उसमें मोदी सरकार की गलती है या नहीं है, हम यह समझाने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ हम बता रहे हैं वह आप गूगल करके भी देख सकते हैं कि हम यह बात को सच कह रहे हैं या इसमें कुछ झूठ है। तो सबसे पहले विजय माल्या को उन्होंने 900 करोड़ का लोन दिया IDBI ने। यह लोन जब पास किया गया, समय अवधि मैं बता रहा हूँ कि कब यह लोन पास किए गए हैं, यह लोन पास किए हैं 2005 से लेकर 2010 की अवधि में।
सन 2005 से 2010 की अवधि में किसकी सरकार थी आपको पता है, उस समय यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह मुख्य प्रधानमंत्री थे। तो आपको ये लोन देने वाला जो ये लोन देने वाली कौन थे, वह उस समय यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह थे और कांग्रेस की जो यूपीए कांग्रेस उस समय सरकार में थी। उसके बाद हम बात करते हैं 600 करोड़ का जो मामला था उसके हम बात करते हैं। जो एयरसेल के पूर्व प्रमोटर हैं शिव शंकरम को 600 करोड़ का लोन दिया गया है। यह समय अवधि है 2010 से लेके 2014 की, 2010 से 2014 के बीच में किसकी सरकार थी, यह सरकार थी यूपीए की और उस समय भी मनमोहन सिंह की बागडोर संभाले हुए थे और सोनिया गांधी उनके हाथ में रिमोट था। तो आपको दूसरी बात मैं इसलिए समझाना चाहता हूँ कि IDBI को आखिर डूबने में किसका खस्ता हाल किसका हाथ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, एक कंपनी एक्सेला सोल्यूशन लिमिटेड है जिसको 322 करोड़ का लोन IDBI ने दिया। अब वो 322 करोड़ का जो लोन था वो कब पास किया गया, मैं आपको बता दूं, फरवरी 2014 में यह 322 करोड़ का लोन है जो कि IDBI ने एक्सेला सनशाइन लिमिटेड को दिया। फिर आप बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, विंडो WWO करके एक कंपनी है, इनको 523 करोड़ का लोन पास किया गया है फरवरी 2014 में। अभी किसकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि फहलिस्त बहुत ज़्यादा है, अगर हम इसको गिनाते जाएंगे तो हमारा घंटों घंटों लग जाएंगे और हम इसको नहीं बता पाएंगे कि आखिर IDBI ने कब कैसे लोन दिया था। हमारा सिर्फ बताने का इतना मकसद है कि सरकार को जो लोग घेरे में ले रहे हैं कि वह सरकार की गलती है या नहीं, जो उसकी सजा उसे दी जा रही, जो लोग उस पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क करने लायक सरकार के ऊपर है या नहीं है, क्योंकि अभी विपक्ष सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मार्क कर रहा है, जो कि खुद ही इस IDBI को डुबोने में उसका हाथ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा जिन्होंने फिशरमैन को यानी मछुआरों को लोन दिया, एग्रीकल्चर लैंड के दिखा करके मछुआरों को लोन दिया गया IDBI द्वारा, जिसमें 539 करोड़ का लोन है और यह लोन की अवधि 2009 से लेकर 2014 के बीच में है। सन 2009 से लेकर 2014 के बीच में किसकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, फिर मनमोहन सिंह थे। यानी कि जितना भी जो IDBI अब तक जो खस्ता हाल हुआ IDBI का, वो सारा हाल जो किया गया है वह कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया है। अब IDBI आपको पता है गवर्नमेंट मशीनरी है, अगर कोई गवर्नमेंट मशीनरी को इस तरह से छोड़ दिया जाए डूबती हालत में तो क्या इसी तरह से, क्योंकि आज की अगर तारीख में हम बात करते हैं तो सरकारी संस्थाओं का वो हाल है जो कि अगर आप ऑडिट करोगे तो बहुत बुरे हाल में फंसी हुई हैं, क्योंकि सालों से चलता आ रहा भ्रष्टाचार जो है, यह भ्रष्टाचार अब सरकारी जो एजेंसियां हैं उनको पूरी तरह से काफ़ी बर्बाद कर चुका है और उसी क्रम में IDBI भी आता है। तो आप जो IDBI पे सवाल खड़े कर रहे हैं, तो इसीलिए मोदी सरकार ने, उनकी कैबिनेट ने ये चाहा कि अगर IDBI बैंक, हालांकि इतना बुरा हाल नहीं है, उसका NPA बढ़ा हुआ है, परंतु अभी भी उसके पास वो सालाना लगभग 2 लाख करोड़ का लोन डिसबर्स करता है, तो उसमें मान लीजिए अगर इस समय उसका NPA लगभग 40,000 से 50,000 करोड़ का है जो कि है, तो अगर इसमें हम बात करते हैं 40,000 से 50,000 का NPA जो बढ़ा हुआ है, अगर उसको संभाला नहीं गया तो भी लगभग 1.5 लाख करोड़ का अभी भी रिकवरी आनी बाकी है। तो अब बात करते हैं LIC की, आखिर LIC को ही क्यों टेकओवर करने के लिए कहा जा रहा है। LIC का काफ़ी समय से मूड था कि वह बैंकिंग सेक्टर में आए, तो LIC कहीं ना कहीं सरकारी एजेंसी है तो, और IDBI भी सरकारी एजेंसी है तो, और LIC की जो LIC लगभग ऑल ओवर इंडिया 2000 ब्रांचेज हैं LIC की और लगभग 1400 से 1500 ऑफिसेज हैं LIC के। तो LIC इतनी बड़ी संस्था है कि अगर उसमें IDBI को टेक ओवर करती है तो वह उसका मेक ओवर कर पाएगी। क्यों उसका कर पाएगी, मैं इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि अभी तक LIC इंश्योरेंस सेक्टर में रही है, वह उसका बैंकिंग सेक्टर में कहीं एक्सपीरियंस नहीं है। हालांकि वह लोन के अगेंस्ट, सॉरी इंश्योरेंस के अगेंस्ट में, प्रीमियम के अगेंस्ट में ऑलरेडी लोन देते आई है, परंतु प्योरली बैंकिंग में वह नहीं रही है। प्योरली बैंकिंग में आने के लिए उसको बैंकिंग से ही एक्सपीरियंस, जो जो अनुभवी लोग हैं उनको उठाएगी और वहाँ से अपने
ब्रांचेज नए उसमें एक्सपेंड करेगी और जा करके फिर इसको इसको अपना अपना बैंकिंग का नया लाइसेंस लेती तब वो आगे बढ़ती। परंतु अब क्या होगा, वह IDBI को टेक ओवर करेगी। IDBI ऑलरेडी ऐसा नहीं है, उसके काफ़ी एक्सपीरियंस लोग अनुभवी लोग उसमें हैं, उसकी भी लगभग 1995 शाखाएँ हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो अगर ये 2000 शाखाएँ हैं, हालांकि सिर्फ उसमें कमी क्या है, जो NPA बढ़ा हुआ है वह NPA LIC इसलिए रिकवर कर लेगी क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जो अभी LIC IDBI को खरीदेगी उसमें उसको 51% शेयर उसको लेना होगा IDBI को LIC को IDBI में, जिसमें 11% लगभग 10.89% का शेयर जो ऑलरेडी अभी IDBI में LIC का है, तो उसमें लगभग 40% शेयर और लेना है। इसका मतलब हम मान के चलें अगर 50,000 करोड़ की हम बात कर रहे हैं NPA है, तो अगर उसमें 11% का शेयर अभी भी उसमें LIC का, उस NPA में LIC का हम मानेंगे, क्योंकि 50,000 करोड़ का लगभग हो गया आपको 5.5 करोड़ का अभी भी NPA डूबा हुआ है LIC के, इस तरह से हम बात करते हैं क्योंकि वह शेयर ऑलरेडी LIC का है। तो LIC का कहीं ना कहीं वो पैसा तो डूबता ही डूबता अगर वह इस चीज़ को करेगी, अगर वह उसको टेक ओवर करेगी तो लगभग 40% जो शेयर है उसको खरीदने के लिए रफली उसको 10,000 से 12,000 करोड़ रुपए IDBI को देने होंगे और वह उस कंपनी को IDBI को अपने अंडर में ले लेगी और बैंकिंग सेक्टर में प्योरली बैंकिंग सेक्टर में आ जाएगी। तो मेरा ये समझाने का इसलिए मकसद था कि अब जो विपक्ष है और विपक्ष के कुछ लोग हैं, कुछ ऐसा तबका है जो सरकार पे सवाल खड़े कर रहा है कि सरकार इस तरह का काम क्यों कर रही है। पहली बात यह है कि सरकार ने जब से सरकार आई है तब से काफ़ी एक्टिव रही है और किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं है। उस क्रम में विजय माल्या हों, नीरव मोदी हों और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अब देश छोड़कर भाग चुके हैं, जिनके लिए उस समय जब कांग्रेस पिछले 60-70 सालों तक पूरी तरह से यहाँ पे हरियाली ही हरियाली थी, उनको देश से भाग छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने काफ़ी कुछ भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश की है, तो जब उनको यहाँ नहीं लगा कि उनकी दाल अब गल पाएगी तो वह लोग ये दो देश छोड़कर यहाँ से भाग निकले। अब जब देश छोड़ के यहाँ से भाग निकले उसी में अब जो सरकार जो उनको अभी तक इसकी पैठ देते आई है, जो लोन को डिसबर्स करती आई थी, वही उस सरकार को सवालों के घेरे में खड़े कर रही है। जो सरकार अभी इनको इनके खिलाफ जांच कर रही है उसी सरकार को यह चोर बनाने की कोशिश कर रही है जिन्होंने लोन पहले से उनको डिसबर्स किया था, उनको लोन दिया था। उसी में UPA अब आज क्या कर रही है कि IDBI को जो ये खरीद रही है, IDBI को LIC खरीद रही, तो इसमें सरकार बहुत गलत रोल प्ले कर रही है और इसमें LIC के जो पॉलिसी धारक है उनका नुकसान होगा, जनता का नुकसान होगा। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि ऑलरेडी पूरा चीज़ें समझा दी, वाकया क्या है, किस बात को क्यों कैसे आपका पैसा अभी सेफ है, क्योंकि ऑलरेडी अभी अगर मान लीजिए नए बैंकिंग सेक्टर में LIC को आना होगा तो काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, नए ब्रांचेज खोलनी पड़ती, नए रिक्रूटमेंट करते हैं एडवर्टाइजमेंट पे खर्च आते, बहुत सारी चीज़ों पे खर्च आते, उसका अब इनको IDBI का सहारा पूरी तरह से मिल जाएगा और एक दूसरे का साथ लेकर के फिर से वो IDBI के साथ कंधे से LIC के साथ आके कंधे से कंधा मिला कर चल सकेगा और वह दोबारा से उबर सकेगा और बैंकिंग सेक्टर में LIC अपना वर्चस्व भी जमा सकेगा। उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा LIC को बैंकिंग सेक्टर में आने के लिए। तो इससे कहीं ना कहीं IDBI जो कि बेसहारा है उसको LIC जरूर सहारा दे रहा है, परंतु वह बेसहारा भी काफ़ी कुछ सपोर्ट कर रहा है LIC का। तो सबसे बड़ी बात है कि जो मार्केट में अफवाह फैलाया जा रहा है कि जो LIC अगर IDBI को अपने हैंड ओवर करती है तो LIC का बहुत नुकसान होगा, वह कहीं भी नहीं है। हमने आपको जो तथ्य दिए वह तथ्य आप बारीकी से समझें और आप गूगल करके भी देखें और सरकार के खिलाफ जो सवाल खड़े कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कृपया तथ्यों पर बात करें और लोगों को गुमराह ना करें। धन्यवाद।